हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूपाली रथ ब्लॉग्स। और मैं हूँ रूपाली। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है, सबसे पहले सुबह सुबह तो मैं अपना बेड जो होता है वो ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद ही अपना सारा काम शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें बिलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अपना सपोर्ट और प्यार बरकरार रखें, प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। आपकी सपोर्ट की भारी मात्रा में ज़रूरत है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। और यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही हूँ, सुबह मॉर्निंग का टाइम है और देखिए कितना धूप आ रहा है। और मेरी फेस को भी इग्नोर करिएगा, जब सुबह सुबह मैं उठी और ब्लॉगिंग शुरू कर दी और कितना धूप आ रहा है आप लोग देख लीजिए। और इस साल बेंगलोर में बहुत ज़्यादा धूप है, इतना ठंड नहीं लग रहा है बेंगलोर में, बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मॉर्निंग में मैं पीती हूँ गर्म पानी। तो यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ, माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म कर लूँगी और उसको पीऊँगी। तो सुबह सुबह मैं हमेशा गर्म पानी से ही शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी कर लेती हूँ, एक मिनट माइक्रोवेव कर लेंगे तो अच्छे से गर्म हो जाता है। तो वार्म वाटर ही पीती हूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि मेरा गला आजकल बहुत ज़्यादा ही बैठ जाता है। ठंड मतलब ठंड इतना नहीं है, लेकिन पानी चेंज हो गया है मेरा, उड़ीसा से मैं आई हूँ ना, तो इसलिए गला बैठ जाता है। तो गर्म पानी पी लेती हूँ और उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करूँगी। तो सोचिए आज अपना मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो बर्तन मैं सेट करके रख लेती हूँ। मेरे घर में मेड आती है, वो शाम की 4 बजे आती है, बर्तन साफ़ करके रख के जाती है और सुबह सुबह मैं सारे बर्तन को बर्तन स्टैंड में लगा लेती हूँ। तो किचन का जो होता है स्पेस वो निकाल लेती हूँ, वो सारे बर्तन यहाँ पे धो के रख के जाती है और मैं बर्तन को स्टैंड में लगा लेती हूँ और उसके बाद में ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो अभी हो गया है, मैंने बर्तन रखा है। अभी मैं बना रही हूँ करेले की जूस। ये देखिए करेला है। तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड पीते हैं करेले की जूस। तो मैंने एक बड़ा वाला करेला लिया है और एक छोटा वाला, दोनों का जूस बनाऊंगी। तो सुबह सुबह सबसे पहले करेला जूस मैं हमेशा देती हूँ, अपनी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है करेले की जूस। कुछ नहीं डालना है इसमें, बस थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है और ये बहुत ही हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे करेले को काट लेती हूँ, छोटे छोटे पीस में काट लूँगी और उसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से और छन्नी से छान लूँगी। देखिए इतना छोटा छोटा पीस कर लेते हैं और बीज का जो बीज होता है वो निकाल लेते हैं। देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद छन्नी से इसको छन लेते हैं तो हमारा जूस जो होता है बन के तैयार हो जाता है। और ये बहुत कड़वा होता है तो उसको मतलब बिना देखे ही पी लेना है, ऐसी ही कंडीशन है। तो हो गया है, अभी जूस मेरा लगभग तैयार हो चुका है और उसके बाद मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करूंगी। तो देखिए यहाँ पे छन्नी से मैं छान लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गया है जूस मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और मैं तो सपोर्ट कर ही रही हूँ आप सभी लोगों को और आगे भी करते रहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को टच करके ना जाए। तो अब मैं बना रही हूँ मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ मैं सुबह सुबह अदरक वाली कड़क चाय बनाती हूँ, तो इसलिए मैं अदरक को ग्रेट करके डाल लूँगी और उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो सुबह सुबह हमेशा मुझे अदरक वाली चाय की ज़रूरत पड़ती है और बिना अदरक की चाय पसंद नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं अदरक को इस तरह से ग्रेटर में ग्रेट करके फिर चाय बना लेती हूँ। और अच्छा लगता है सुबह सुबह थोड़ा अदरक वाली चाय मिल जाए ना तो दिन अच्छा जाता है ऐसा लगता है मुझे।
तो अभी बना रही हूँ मैं, और उसके बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट में ओट्स बनाऊंगी आज। और सोचा है ओट्स बनाऊंगी, मसाला ओट्स जो आता है ना वही बनाऊंगी मैं स्प्राउट के साथ। तो अभी देखिए मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ। मैंने पानी लिया है एक बाउल में और चाय मेरा बन रहा है उस साइड में। तो अभी मैं बनाऊंगी ओट्स बनाऊंगी, मसाला ओट्स जो आता है ना यहाँ पे, देखिए मसाला ओट्स उसको बनाएंगे आज। तो ओट्स तो लगभग मेरे हस्बैंड बना लेते हैं, तो उनको अच्छा लगता है ओट्स बनाना। तो बोल रहे थे मैं बनाऊं क्या, तो मैं बोली ठीक है आप बनाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मेरी हस्बैंड बना रहे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा नहीं, 4 to 5 स्पून हम डाल लेंगे, गर्म पानी में ओट्स डाल लेंगे। और ये तो मसाला ओट्स होता है ना, सब कुछ मिक्स है इसमें। और इसको हेल्दी और बनाने के लिए हम उसमें डालेंगे स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को मैंने रखा है अलग से, तो उसको थोड़ा और हेल्दी बनाएंगे तो अच्छा रहता है। अभी तो हेल्दी खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना तबीयत का अपना सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्प्राउट्स है, और उसमें हम डालेंगे ओट्स में स्प्राउट्स डाल लेंगे, तो ये हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट हो जाएगा हमारा। देखिए ओट्स के अंदर हम डालेंगे स्प्राउट्स, और ये बहुत टेस्टी भी लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से खाना अभी आजकल थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस कर रही हूँ मैं, ताकि अपना सेहत जो है ठीक रहे। तो देखिए हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ। देखती हूँ अभी आगे क्या क्या वीडियो में बनाऊँगी, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, सुबह सुबह ही शुरू कर दी है। तो क्या क्या बना वीडियो बनाऊँ क्या करूँ ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मैं सोची जो डेली करती हूँ वही दिखाऊँ, तो वही डेली का रूटीन ही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो अभी देखिए हो गया है ओट्स बन के तैयार, उसको सर्व कर लेते हैं एक बॉल में, उसको सारे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये हो गया है अच्छी तरह से रेडी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैगी भी बनाया है, क्योंकि मैगी बच गया था, ख़राब हो गया होने वाला था, तो सोचा वो भी बना लेते हैं, क्योंकि पहले से ख़रीद के रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ओट्स भी हो गया है रेडी हमारा, देखिए इस तरह से। और अभी मैं शाम का टाइम हो गया है, मतलब आफ्टर 4 या 5 बज चुके हैं, मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ा बहुत वो सामान लेने के लिए, ग्रॉसरी सामान। तो हमारी घर के पास ही है फैमिली स्टोर, तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी सामान ख़त्म हो गया है उसको लेके मैं आऊँगी। तो अभी शाम का टाइम है, 4 या 5 बजे है, लेकिन देखिए अंधेरा यहाँ पे बहुत लेट होता है, 7 बज जाते हैं अंधेरा होने के लिए, 6:30 to 7 बज जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ फैमिली स्टोर में, तो यहाँ पे ले लूँगी जो जो सामान चाहिए। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली फ्रेंड के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। चलिए फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।